हेलो एवरीवन, ये देखिए मैंने अपना ये जो है कंप्लीट करके रख लिया है इसको मैंने। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं क्लेवर करके रखूँगी, तो मैंने आपको ये ऊपर थोड़ा सा करके दिखाया था। उसके बाद ये देखिए विंडो वाली जगह छोड़ के मैंने उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया सारे उसमें। ठीक है, विंडो की जो हमारी जगह थी वो हमने छोड़ के बाकी सारे में वो वर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए कितने क्रैक्स, इसी तरह से ये सारे क्रैक्स मोटे मोटे इसमें सारे में थे। ठीक है, बाकी मैंने फिल कर लिया, मैंने सोचा मैं थोड़े से क्रैक्स आपके सामने फिल कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्रैक फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क हम आगे फिर करेंगे, पहले हमारी क्रैक फिलिंग होगी, तो उसके लिए हम अपनी क्ले लेंगे। ठीक है, मैं क्ले ले रही हूँ, वही वाली क्ले जो हमने यहाँ की है ना पेपर मैश, उसको मैं अच्छे से नीट करूँगी। थोड़ा सा मैं पहले अपना थोड़ी सी क्रीम लगा लूँ, हाथों पर लोशन या क्रीम कुछ। ठीक है, एंड देन नीट इट। ठीक है, इसको अच्छे से नीट करना, चाहे हम फिलिंग ही करने लगे फिर भी हमने इसको नीट अच्छे से करना। ये विंडो की जगह छोड़ के बाकी में हमने सारे में मैंने वैसा ही वर्क किया है जैसा मैंने आपको ऊपर करके दिखाया। मैंने यहाँ आपके सामने दो लेयर्स लगाई थी है ना, पर दो लेयर्स लगाने के बाद मुझे लगा कि हमारी विंडो बहुत छोटी हो गई है, तो मैंने फिर ऊपर से ये बीच में से इतना ये कट कर दिया। ठीक है, उससे विंडो क्या होगी हमारी बड़ी होगी, थोड़ा अच्छे से हमने वर्क किया है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ जो दो लेयर्स मैंने आपको लगा के दिखाई थी, ये सेकंड लेयर में से मैंने नाइफ के साथ इतना पार्ट जो है वो कट कर दिया। ठीक, अब मैं आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी। अब हमने क्रैक फिलिंग में कोशिश करनी है कि वाटर का यूज ना हो, अगर हो तो बहुत कम से कम। ठीक है, पर क्योंकि ये हमारा वुडन ही है, इफेक्ट देना है हमने, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा स्मूथनेस की जरूरत तो है नहीं है, है ना, तो इसलिए हम बिना वाटर के काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे ये मेरा क्रैक है, ये क्रैक है ना, इसमें मैं क्या करूंगी, पहले फेविकोल लगाऊंगी। ठीक, ये मैंने फेविकोल लगाया और ये मैंने क्ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा क्ले लिया मैंने, अब क्या करूंगी मैं इसको इसमें फिल करूंगी। जो क्रैक है हमारा उसके बीच में हम इसको फिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इससे ही वर्क कर लें, वाटर का यूज ना ही करें। ठीक है, क्योंकि वाटर का यूज करने से कई बार दोबारा भी क्रैक पड़ जाते हैं, या बिल्कुल हल्का यूज करना अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि स्मूथनेस नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल हल्का सा यूज करना होता है। ये देखिए, ठीक है, फिल हो गया क्रैक हमारा। इसी तरह से हम ये सारा जो क्रैक है उसको फिल करेंगे। ठीक, पहले आपने फेविकोल लगाना है थोड़ा सा, और उसके बाद उस पर आपने, अगर ये कोई और वर्क होता तो शायद मैं थोड़ा सा ये लेती, क्या कहते हैं, वाटर टच करती, क्योंकि मुझे इसको स्मूथ करना था। लेकिन अब मैं वाटर टच इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारी, क्योंकि हम ये वुडन बना रहे हैं ब्लॉक्स, हम एक लुक जो दे रहे हैं वुडन ब्लॉक की लुक दे रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं है, है ना। ओल्ड है वुडन ब्लॉक, ये देखो जहाँ पर मैंने पहले डिज़ाइन ये जो दिए थे, लाइंस दी थी, उसके ऊपर ऊपर से मैं एक बार दोबारा से वही मैं एक बार दोबारा से इस पर कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए क्लियर, इस तरह से हमने अपना सारी ये जो फिलिंग है वो सारी इसी तरह से करनी है। मैं थोड़ी सी और दिखाती हूँ आपको, और ये देखो कितना ज्यादा क्रैक पड़ा है, देख रहे हो आप। तो इसमें घबराना नहीं है कि ये पता नहीं हमसे हो गया है क्या हो गया, क्योंकि जब हम इतने बड़े ये एयर ड्राई क्ले है, तो जहां पर बीच में स्पेस होता है ना एयर का, तो ये वहां से फट जाती है, तो ये नेचुरल है इसका फटना। ठीक, इस तरह से आपने सारे को फिल करना। अब मैं इसको फिलिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि बाद में फिर इसको
बाद में फिल कर दूंगी, ठीक है। अभी जहां तक मुझे जरूरत है मैं उतना फिल कर लेती हूँ। बाकी हमने अभी इसके ऊपर वर्क करना है, कुछ जगह तो हमारी छिप भी जाएगी जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी ही जगह बाहर बचेगी जहां पर हमारा वर्क नहीं होगा। इस तरह से आपने ये वर्क जो है अपना क्लीन कर, ठीक है। देखा आपने फेविकोल से ही स्मूथ हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ तो चाहिए नहीं, तो इसलिए मुझे वाटर का टच देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा वर्क हो जाना। वैसे देखिए यहाँ पर ये हमारी नीचे वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पर भी ये हमारा थोड़ा वर्क हो जाएगा। तो ये छिप नहीं जाना है, यहाँ पर हमारा ये प्लेट लग जाएगी, एक स्टैंड जिसके ऊपर हमने अपना ये सारा सामान रखना है। ठीक, ये है बाद में फिलिंग करने की, ठीक है। शायद मुझे यहाँ भी थोड़ा लगा दूंगा, यहाँ पर शायद आज हम वर्क कर लें। तो ब्रॉड वाला था, इसको मैंने अच्छे से फिल कर, आपने इसको स्मूथ कर देना। बाई चांस जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल हल्का सा वाटर टच लेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल लाइट, ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्मूथ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इस पिक्चर में क्या किया होगा, इस पिक्चर में अब हमने चलना कैसे, डिसाइड कैसे करना होता है कि कौन सी चीज़ पहले बनानी है। हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे बेस में क्या चीज़ है, उसके ऊपर क्या किया हुआ, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या। जैसे सबसे बेस में ये चीज़ है हमारी, है ना, ब्लॉक्स जो हमने बनाए। उसके बाद हमारा क्या आता है, आप सोचोगे ये खिड़की का ये चीज है, ये नहीं है, लेकिन उसके नीचे ये देखो, ये हमारे बाहर उन्होंने दिखाया कि ट्रीज जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। तो उससे ये बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रीज बनाएंगे, ठीक है। ट्रीज को बनाने के बाद, ये ट्रीज को बनाने के बाद फिर मैं इसको लगाऊंगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें देखो इसके ऊपर है ना। तो उसके बाद हम ये लगाएंगे, तो उससे पहले हमने इनको कट करना है। तो इनको कट करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक हल्का सा, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कोई एग्जैक्ट शेप की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मैंने ये इस तरह से ड्रॉ किया है ना। तो इसको अब मैं क्या करूंगी, एक कार्डबोर्ड पर काटूंगी इसको। ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है सेम शेप, लेकिन अब शेप को मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काटना है, मुझे यहाँ पर इसको इस तरह से चिपकाना है कि इसके नीचे आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर नहीं चिपकाना है मुझे, मुझे इसके ऊपर लाना है, मुझे नीचे थोड़ा स्पेस दिखाना है। अगर आप नहीं भी चाहते स्पेस दिखाना, इसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि इसके नीचे, ये देखो उन्होंने थोड़ा बनाया है ना इस तरह से, ये देखिए इस तरह से थोड़ी नीचे लाइट जा रही है, ये जो लीव्स हैं इनकी परछाई देखो नीचे, दैट मीन्स इसके नीचे स्पेस है ना। तो अगर हमने इसके नीचे स्पेस दिखाना है तो ये थोड़ा सा उठा होना चाहिए। वैसे हम इसको कट करके यहाँ पर भी स्टिक कर सकते थे इस कार्डबोर्ड को, लेकिन क्योंकि नीचे इन्होंने पीछे स्पेस दिखाया हुआ कि जगह है उसके नीचे, तो मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम इसको इस हिसाब से काटेंगे कि ये हमारा जो कार्डबोर्ड है यहाँ इसके ऊपर भी आ जाए, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, इसी तरह से इस साइड पर ये थोड़ा बड़ा है, ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, इससे इतना सा नीचे है, तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा स्पेस जो है ये नीचे छोड़ के, स्पेस जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने छोड़ा, और मैंने नीचे, आप
कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है, जस्ट आपने दे देना कि जैसे इनका यहाँ से बहुत ब्रॉड है, देखो मैंने बल्कि कम किया हुआ है ना, तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया और मैंने इसी तरह से ये देखिए इस पर भी ये ड्रॉ करके रखा हुआ है और सेम इसको भी मैंने नीचे से भी एक्स्ट्रा कटिंग की है और ये साइड से भी, क्यों, ताकि ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इनको कट कर लेती हूँ। पहले मैं करने लगी थी, फिर मैंने सोचा मैं आपके सामने ही कट करके दिखाऊँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने पता नहीं क्या कर दिया। तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था नीचे क्योंकि ये सीधा नहीं है। अब ये जो मैंने निशान लगाया था ये देखो, अब मैं इसके ऊपर ऊपर इसको कट कर दूँ। आपको समय लग जाएगा। ये देखिए ये मैंने कार्डबोर्ड कट कर दी। अब क्या करूंगी, इसको मैं ये देखिए इसके ऊपर से रख रही हूँ, थोड़ा सा पार्ट नीचे भी है और थोड़ा सा ऊपर भी है। ये देखो अब ये मेरी कटिंग में फर्क पड़ गया, तो इसमें मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया था, ये यहाँ पर ही रह गया, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। और जब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो ये हमारे नीचे जो है वो स्पेस दिया, ठीक, थोड़ा सा, हमने कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिखाना है, जस्ट थोड़ा सा दिखाना है। तो ये देखिए इस तरह से लगाने से वो स्पेस भी आ जाएगा, लेकिन आप जब इसको स्टिक करोगे तो थोड़ी देर इसके ऊपर कुछ वेट रख देना ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए इसके साथ, ठीक। इसी तरह से ये दूसरा कार्डबोर्ड भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ठीक है। दूसरा भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी देखो चीजें जो हम इसमें जो हमने बनाना है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन हो कि ये बड़ा बन गया ये छोटा बन गया। ये सारी चीजें जो है बस आपके पिक्चर में अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर इसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी खिड़की जो है वो बड़ी बनाई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखाना तो उसमें अच्छे से कर्टन वगैरह मुझे बनाना है, तो मैंने खिड़की का जो साइज है वो थोड़ा सा जो पिक्चर का साइज है उसे थोड़ी लॉन्ग रखी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत नाप तोल के बिल्कुल सेम हमें बनानी पड़ती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए ये भी कट कर दिया। अब इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर से हम क्ले वर्क करेंगे, ठीक है, जिससे ये हमारा छिप जाएगा। यहाँ पर हमारी थोड़ी ज़्यादा क्ले लगेगी, ठीक है, और यहाँ पर आकर हम थोड़ी पतली क्ले लगाएंगे क्योंकि इसको हम लेवल करेंगे ना एक लेवल, तो यहाँ पे मोटी लग जाएगी, यहाँ पर थोड़ी पतली क्ले लगेगी। तो इस तरह से ये देखो इस तरह से ये हमारा दोनों साइड ये स्टिक हो, ठीक, क्लियर। और जो हम ऊपर कर्टन्स वगैरह बनाएंगे वो हमारे क्ले से ही बनेगा, उसमें हमें कार्डबोर्ड नहीं यूज है, ठीक है। इसको स्टिक करने के बाद मैं एक ये जो नीचे यहाँ पर जो ये वाला हमारा एक हमने स्लैब इसके ऊपर बनाई हुई है ना, जिसके ऊपर ये सामान रखा हुआ है, ये स्लैब आप कार्डबोर्ड से भी लगा सकते हो, कार्डबोर्ड को कट करके भी, लेकिन मैं थर्माकोल यूज कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास ये थर्माकोल का पीस पड़ा हुआ था छोटा सा, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिक करूँगी इसकी स्लैब बनाने के लिए। ऊपर से वही हमारा क्ले वर्क होगा, इसको जस्ट एक बेस देने के लिए मैं यहाँ पर ये वाली स्लैब लगाऊंगा, ठीक है। जब हम यहाँ नीचे क्ले लगा देंगे ना तो ये इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगी और इसका गिरने का डर भी नहीं होगा। आप चाहो तो इसी तरह से इस कार्डबोर्ड में से आप काट के इस ऐसे ही इसको आप यहाँ पर लगा सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी सारी यहाँ मैंने कितना छोड़ा है, ये साइड्स पर कितना छोड़ा है, नीचे कितना छोड़ा है, ये सारा आपको बता दूँ, ठीक है। आपको मेजरमेंट्स इसमें बता दूँगी और ये जो है इनकी भी मेजरमेंट्स आपको मैं बता दूँगी, ठीक है, या उसमें मैं ऊपर लिख दूंगी मेजरमेंट्स, ठीक है।
इनको मैं एज अ ट्री लिखूंगी, बैक बैक पे जो ट्री है, और ये हमारी स्लैब, ठीक है, जो हमने यहाँ लगा। तो ये वर्क इसका मैं आपको सामने चिपका के दिखाती हूँ। हमने क्या करना है, फेविकोल लगाना है, ठीक है। यहाँ नहीं हमने लगाना फेविकोल, क्योंकि हमने इसके साथ पेस्ट नहीं करना है। तो हमें फेविकोल कहाँ लगाना है, सिर्फ इस एरिया पर, हमारी जो हमने क्ले लगाई हुई है ना, क्ले के ऊपर ही हमने लगाना है। और फिर हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ थोड़ी देर के लिए इस जगह पर आप कोई हैवी चीज रख देना, थोड़ा सा स्टिक हो जाए, उसके बाद तो हमने इसके ऊपर क्ले वर्क ही कर देना, ठीक है। इसी तरह से हम इस साइड पर इसके ऊपर ही हम लगाएंगे, क्ले के ऊपर ही फेविकोल, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से हम यहाँ रख देंगे, ठीक। इस तरह यहाँ मेरा कर्टन आएगा, तो मैं थोड़ा सा और कट कर दी हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा कम करके, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर कर्टन के और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये 100% बिल्कुल ऐसी चीज है कि जिसमें आपको 100% हम किसी चीज को देखकर चीटिंग करते हैं कि वही चीज हमें, है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते, ठीक है। इस तरह से हमने इसको स्टिक कर, ठीक। जब आप यहाँ से इसको प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बीच में से जो है ये उठ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, मैं आपको इसके ऊपर भी करके दिखा देती हूँ, सुबह में नहीं दूंगी क्योंकि नहीं तो हमारा बहुत सेशन चल जाते हैं, है ना, थोड़ा सा ताकि आपको इसमें ही पता चल जाए। मैं थोड़ी सी क्ले ले लूँ, अगेन आई एम नीडिंग द क्ले, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, अगेन कुछ नेटवर्क इश्यू है तो एकदम से बंद हो जाता है वर्क हमारा। ये देखिए मैं इसको नीड कर रही थी, अच्छे से इसको आपने नीड करना है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको हाथों में ही रोल कर रही हूँ, देखो हम इसको रख के भी रोल कर सकते हैं और हाथों में भी रोल कर सकते हैं। रोल किया मैंने, मुझे जितना लॉन्ग चाहिए मैं उतना रोल कर लूंगी इसको। इस पर भी अब हमने, आप देखोगे हमारी पिक्चर में, ये जो इसके साइड्स पर जो विंडो के जो ये जो बना है, इसके ऊपर भी डिजाइन है ना। तो ये डिजाइनिंग जो हमने नीचे वाली क्ले पर दिया है, सेम डिजाइनिंग हमने इसके ऊपर भी देनी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से दिख नहीं रहा है तो हमने ये लगाना नहीं, हमने ये सारी तरफ लगाना है। यहाँ से हमारा कर्टन जो है वो थोड़ा फिर कभी उठा हुआ आएगा, है ना, तो हमने ये सारा पूरा चारों तरफ लगाना है, ठीक है। जैसे हमने विंडो का बीच में छोड़ा था ना, ये इस तरह से लगा के साइड्स पे, इसी तरह से ये भी विंडो के सारी साइड्स पे हमने लगाना, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर से फेविकोल लगाऊंगी, ठीक। थोड़ा सा हमारा इधर को भी आएगा ना ये का वर्क, है ना, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्ले को थोड़ा सा हम, चाहे आप रोल कर लेना चाहे आप हाथ से भी ऐसे कर लेना तब भी चलेगा। इस तरह से मैंने इसको किया, ठीक, और इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर, इससे क्या होगा हमारा ये जो वर्क है, ये जो हमने अपना गत्ता लगाया है, ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। यहां से मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे वाले वर्क के साथ प्रेस करके मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये जो है
क्ले स्टिक हो जाए इसके साथ, है ना। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आई होप आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, है ना। ये जो है इसको मैं नीचे से इस तरह से प्रेस करती हूँ, प्रेस करके नीचे वाला जो हमारा क्ले वर्क है उसके साथ मिक्स करती हूँ। अभी हम इसको एक शेप देंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें इसके साथ, बाद में हम नीचे का डिजाइन भी देंगे। ठीक, मैं वाटर टच ले रही हूँ फिंगर पे, हल्का सा वाटर टच लेके, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऊपर से भी हम क्या करेंगे, इसको प्लेन करेंगे। वाटर टच के बगैर ये स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, तो वाटर टच जरूर लेना आपको। थोड़ा सा मैं अपनी, आप नाइफ या जो भी है स्पैचुला किसी भी तरह का आपके पास है उसके साथ में थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, प्लेन स्मूथ कर। इसी तरह से हम इस साइड से भी करेंगे इसको स्मूथना, अंदर से भी, जैसे इधर से चिपकाया ना, अंदर से भी हम थोड़ा सा इसको अच्छे से, जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो आप देखोगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने सारी साइड से इसके ऊपर करना है। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर भी बनाना है वही सेम डिजाइन, तो मैं अभी इसके ऊपर भी आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे हमने ये नीचे बनाया था ऐसे ही हम इसके ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पर दो भी बना सकते हो, आप चाहो, मैंने जैसे एक बनाया आप एक ही भी बना सकते हो, ये जो बीच का हमारा डिजाइन है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे मर्जी कर सकते, ठीक। इसी तरह से हम चारों तरफ जो है अपना ये लगाएंगे क्ले, ये देखिए, ये जो मैंने फिर थोड़ी सी वो मिक्स नहीं थी कि, ये देखिए जो मैंने यहाँ से एक सेकंड मैंने बोला था ना आपको, मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, मैंने बाद में कट करके निकाल दिया, देखिए ये वही यहाँ से जो कट पीस निकाला था ये वही वाला, और इसको मैंने थ्रो नहीं किया इसके नीचे, हालांकि फेविकोल लगी हुई, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से रोल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा बस ये रोल ही कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक साइड और लगा के दिखा देती हूँ, फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, चारों तरफ का रोल करेंगे। उसी तरह से ही मैं फिर एक लॉन्ग रोल कर रही हूँ, इसको रोल आउट करके, और यहाँ पर जितना मुझे चाहिए लंबा उतना मैं इसको करके और स्टिक कर दूँ। अब मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं कर रही क्योंकि क्या है कि ये पतला हो जाएगा फिर, है ना, तो मुझे इतना पतला नहीं चाहिए, मैं आगे और टेस्ट कर दूँ। ये किया मैंने और इसके ऊपर मैं फिर, तो ये अपने आप ही देखो नीचे दब जाएगा, है ना। अब
अपने आप ही नीचे ये दब जाएगा। ऊपर से किया मैंने, उठ गया ना, जब हमने यहां से प्रेस किया क्या हुआ, ये उठ गया है ना। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसके भी इसको हम यहां से भी मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा वाटर टेस्ट ले लूं क्योंकि मेरी एक्चुअली एक मिनट फैन मेरा सॉरी चल रहा है, मैं फैन भूल गई, मैं फैन ऑफ कर दूंगी। मैं सोचूं कि मेरी क्ले इतनी जल्दी ड्राई क्यों हो जा रही है, मैं कुछ ध्यान नहीं रहा। सॉरी, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना कि फैन इधर ऑफ और एक या दो नंबर पे, इससे ज्यादा मत चलाइएगा। वैसे मैं विदाउट फैन वर्क करती हूँ हमेशा, आज पता नहीं मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको जैसे हमने उसको प्लेन किया था ना, इस तरह से इसको भी हम प्लेन करेंगे। ठीक है, वही साइड से फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टिक करेंगे। जैसे हमने वो साइड की थी, ऐसे ही हम इस साइड को भी अच्छे से क्या करेंगे, हल्का सा फिंगर पर वाटर टच लेके आप इसको पहले अच्छे से प्रेस कर दो ना साइड से, ताकि ये नीचे वाले वर्क के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, ये उतरे नहीं है ना। अभी यहां से अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप निकाल सकते हो सीजर नाइफ से। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें थोड़ा जैसे एक एंटीक लुक होती है ना, हमें उस टाइप से थोड़ा सा देना है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो वो चलेगा। सॉरी, इसी तरह से फिर सॉरी, इसी तरह से हम अंदर से भी जैसे हमने इसको दिया था स्मूथ किया था, वैसे ही हम अंदर से इसको फिर इसको भी स्मूथ करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये नाइफ पे वाटर लिया है और इसको मैं प्लेन कर रही हूँ यहाँ से। ज्यादा पानी नहीं लेना है, लेकिन ये भी नहीं सोचना कि ये कट पड़ेंगे तो मैं पानी ना लूं, तो ऐसा भी नहीं सोचना। ठीक है, अब इसके ऊपर अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम इस साइड पर भी वही वर्क करेंगे जो हमने उस साइड पर किया था। ये थोड़ी सी लाइट की या नेट की कोई प्रॉब्लम है तो अगर प्लीज कट जाए तो मैं फिर से ऑनलाइन आके आपको बता दूंगी। अभी मैंने इसके आगे और जोड़ना है क्योंकि ये हमारा पूरी लेंथ में क्या है, पूरा नहीं। अब आप देख रहे हो, ये देखो इसके नीचे जो है ये स्पेस है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी सी और क्ले लेके ये मैं थोड़ा आगे और लगाऊंगी। अगेन रोल करना हाथों में क्ले को, मेरे जो वो रह गए हैं ना क्रैक्स, वो मैं बाद में फिल कर लूंगी। ठीक है,
मैंने कहा आप टाइम क्यों वेस्ट करें, हम आपको मैं नेक्स्ट बता दूं, क्रैक फिलिंग आपको बता दी मैंने, आपने भी इसी तरह से ही क्रैक फिलिंग जो है वो करनी है। ठीक, ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसका जी जितना पार्ट रह गया था ना मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं मिक्स करने के लिए आपस में थोड़ा सा पहले इस तरह से कर दूंगी, बाद में इसको अभी स्मूथ भी करूंगी मैं। ठीक है, ये क्ले क्या होती है कि फिर आपस में मिक्स हो जाती है, यहां से क्ले थोड़ी सी पतली थी तो मैंने इस करके यहां को लगाई है, हो गई ना एक। और ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, यहां से हमारी खिड़की मोटी हो गई है, ये पतली हो गई है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और ये अंदर वाली साइड भी आप हल्का सा हाथ जो है ना, एक जैसे हमने ये बाहर से चिपकाया था ऐसे ये थोड़ा सा अंदर से भी आप कर देना, ज्यादा नहीं जरूरत, बट अगर स्पेस आपको दिख रहा है तो आप क्ले के साथ इसको फिल कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये देखो यहां से मेरे ये जगह ज्यादा चौड़ी है ना, तो मैं इसको क्या करूंगी, निकाल दूंगी। ठीक, इसको यहां से भी हम क्या करेंगे, नीचे इसके साथ फिक्स करेंगे हल्के वाटर टच के साथ। ठीक, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्मूथ किया, साइड से भी हल्का सा, अंदर से भी। ठीक है, और इसको मैंने, मुझे यहाँ से थोड़ी सी ये मोटी लग रही है तो मैं इसको, ये देखिए क्ले मैंने रिमूव की है थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्मूथ किया, अब यही डिजाइन हम आगे भी डाल देंगे। यहाँ पर हमारा वैसे कर्टन आ जाएगा तो हमें इतना अगर नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम फिर भी कंप्लीट कर देंगे ताकि कहीं से हमारी ये खिड़की नजर आ रही हुई तो वो। अब यहाँ अंदर जो है ना, अंदर वाली जगह पर भी आप ये हल्का हल्का सा कर देना, क्योंकि ये हम लकड़ी दिखा रहे हैं तो उसका लुक जो है थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए ही। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह से हमने चारों तरफ देनी है। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो इसी तरह से मैं इसको कवर कर दूंगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से चारों तरफ ये जो हम लगा रहे हैं, यहाँ भी लगाऊंगी अभी मैं, और यहाँ इसके ऊपर से भी आएगी यहाँ पर अभी। ठीक, मैं इसके ऊपर वाली थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्लियर नहीं हुआ, ये देखिए। ठीक है, अगेन मैं रोल कर रही हूँ क्ले को, मेरी क्ले भी थोड़ी रह गई है, एक्चुअली पूरा हो नहीं शायद पाएगा, मुझे लगता है बनाने वाली होगी है। ये जो आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, ये ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही रहेंगे, ये जो बहुत लाइट वाले क्रैक्स हैं ये हम बाद में इनको फिल करेंगे। ठीक है, अभी हमने मोटे मोटे क्रैक्स जो है वो सारे कर दिए, अभी छोटे छोटे क्रैक्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे बाद में फिल हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखिए रोल कर रही हूं मैं। ठीक, थोड़े से यहाँ जो है लाइनिंग और कर देते हैं थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए। अब मैं क्या करूंगी, ये देखो इस साइड भी थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा सा नीचे है ना लगाई, और ये रखा मैंने ठीक कॉर्नर पे, रखा कॉर्नर पे रखा मैंने, और ये मैंने इस तरह से इसको प्रेस किया। जैसे हमने इधर का कॉर्नर मिक्स किया था ऐसे ही हल्का सा वाटर लगा के ये मैं इसको ये कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फिंगर से मिक्स कर देना। यहां से पतला था ना थोड़ा, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर कर दिया इसको थोड़ा से। इसको मैं आगे को लेके जा रही हूं क्योंकि यहां पर बहुत मोटा है, इतनी मोटी हमें नहीं चाहिए। अभी देखो यहां से मिला नहीं है ना ये, तो ये अलग हो रही थी है ना। वेट हैंड लेकर के मैं इसको
थोड़ी सी आगे को कर दिया, इस तरह से आपने इसको देख रहे हो आप, क्ले जो है हमारी आगे को हो रही है। देखो ठीक, यहां तक तो कवर हो ही गया। चलो हमारा ये, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और दबा रही हूँ, क्योंकि ये जो है अभी भी मोटी है इधर वाले के हिसाब से, है ना, तो हमें ऑलमोस्ट इक्वली रखनी है। अब मैं इसको थोड़ा पहले यहां से हम फिक्स करते हैं, इसको मिक्स किया, अभी इसके भी इस क्ले में भी आपके क्रैक्स पड़ सकती है, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचने। ये देखो मैं एक्स्ट्रा को पहले निकालूंगी, उसके बाद साइड से जो हम फिक्स करते हैं ना, हम उसको साइड से फिक्स करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा निकाली क्ले, ठीक, अब क्या करूंगी मैं, अब आपको दिखेगा ना फिर अच्छे से। अब मैं इसको क्या करूंगी, साइड से जैसे हमने इधर दोनों साइड किया वैसे ही हम इसको साइड से ये फिक्स करेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये देखो मैं सिर्फ नीचे को इसको प्रेस कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, जस्ट इसको नीचे को प्रेस किया है ताकि नीचे वाली क्ले के साथ जो है ये लग जाए। मैं थोड़ा सा ये कुछ भी नाइफ वगैरह लेके ना उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी सी, ये देखो ठीक। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी क्ले लग रहा है कि थोड़ी सी और लगा दूं। ये देखो ये कॉर्नर जो है हमारा ये अच्छे से नहीं आया है, तो मैं इसको इसके साथ फिक्स करूंगी, ठीक हो गया ना। इसकी जो ब्रॉडनेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल रखना, बाकी थोड़ा बहुत कहीं से कम ज्यादा, अगेन मैं कह रही हूँ उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम एंटीक बना रहे हैं, जैसे पुरानी होती ना उस तरह से थोड़ी लुक आएगी इसकी। ये देखिए अब ये हमारा जो है ये देखो ये उठा हुआ है, इसके नीचे ये जा रहा है ना, तो ये देखो ये दोनों साइड क्या है हमारा उठा हुआ है, जैसा हम चाहते थे, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा, तो वो चीज आ गई है। अब इसी तरह से हम आगे कर देंगे, जितनी है मेरे पास मैं सारी ही क्ले निकाल लेती हूँ, जितना हो गया ठीक है, थोड़ा बहुत शायद रह जाए। मैं इसको नीड कर रही हूँ क्ले को, ठीक है, ये क्ले मेरी थोड़ी हार्ड हो गई है, फैन चल रहा था ना, हालांकि बॉक्स में थी फिर भी फैन क्योंकि फुल पे था तो वो ध्यान नहीं किया मैंने, तो ये हार्ड हो गई, इस वजह से थोड़ी सी ये मुझे ज्यादा इस पर वर्क करना पड़ रहा है। आपने उतनी ही निकालनी है बाहर जितनी आपको जरूरत हो, ठीक, और ये खराब नहीं होती, आप थोड़ा सा वाटर बाई चांस जैसे अब मेरे ये हार्ड होंगे तो थोड़ा सा वाटर टच दोगे तो ये ठीक भी हो जाती है। थोड़ा वाटर हाथों में लेके हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना, रोल ऑन करेंगे, तो ये देखिए जैसे मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ हैंड, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड हो गई है, तो मैं अगर इस पर यूं थोड़ा सा वर्क करूंगी तो ये अभी ठीक हो जाएगी। पहले मैं उतना ही कर लूं पार्ट जितना हमें चाहिए, ये
अब मैं यहां पर भी क्या करूंगी, फेविकोल लगाऊंगी और इसके आगे इसको यहां से मैं थोड़ा पतला रखूंगी आगे से, ताकि इसके ऊपर यूं स्टिक हो जाए, है ना। और आगे हम लगाएंगे, ये थोड़ी हार्ड है इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसको स्टिक करने में, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि वर्क ये अच्छे से कर रही है ना। ये देखो, अगर हम इस पर ऐसे करें तो कितना स्मूथ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गई, हार्ड हो गई। लेकिन कोशिश कीजिए कि विदाउट फैन ही काम कीजिए। दूसरा ये मैं यहां से यहां तक लगाऊंगी। इसको भी हम क्या करेंगे, बाहर से स्टिक करेंगे नीचे वाले के साथ, इस तरह से प्रेस करके, ठीक। ये देखिए, ये हमारी खिड़की की जो तीसरी साइड थी वो भी विंडो की तैयार हो गई है, ठीक। इसको भी इस तरह से यहां पर भी हम उसी तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। ये आपने साथ की साथ ही करना है, ताकि अब हमारी रह गई है एक साइड। मैं देखती हूँ अगर इसमें कंप्लीट हो जाए, जितनी मेरे पास है मैं वो कर दी, ठीक है। थोड़ा सा शायद रह जाए, देख लेते हैं अभी, अगर होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं उसको बाद में कंप्लीट कर दूंगी। बहुत ही अच्छी क्लियर है, देख लो, इतनी हार्ड होने के बावजूद आप इससे आराम से काम कर पा रहे हो, है ना। मतलब ये आपका वर्क रुका नहीं है। हो जाएगा, चलिए गुड। मैं चाहती थी कि पूरा करके ही दिखा दूं आपको। ये देखिए, अगेन मैं यहां से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर थोड़ा हम फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि अब ये क्ले थोड़ी मेरी हार्ड है ना, तो इसलिए कई वैसे तो इसके ऊपर आपको फेविकोल लगाने की जरूरत नहीं होती, जब आप क्ले के साथ क्ले को चिपका रहे। थोड़ा सा हैंड पैट किया हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अगेन हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए आगे को बढ़ेंगे। यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिक्स। यहां से ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, देखिए इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये अलग ना हो। बाई चांस हो भी गया तो हम फिलिंग से उसको कर देंगे, तब भी किसी भी बात की, आर्ट वर्क ऐसा होता है कि इसमें किसी बात की आप टेंशन नहीं लोगे, ये एंजॉय करने के लिए होता है हमें, ठीक है। एक पीस के लिए है, एक एंजॉयमेंट के लिए है, टेंशन के लिए नहीं है। आर्टवर्क टेंशन लेनी है तो और बहुत से काम है हमारे पास जो हम टेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें हमने टेंशन नहीं लेनी है। इसमें भी मैं क्या करूंगी, बाहर से साइड से दबा दूंगी। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, इसको वाटर टच लिया और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर भी हमारा कर्टन आ जाएगा, तो हमें इतनी देर इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस साइड से आप थोड़ा बल्कि स्मूथ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा कर्टन शायद पिक्चर में जो है इस साइड तक नहीं है। इस तरह से हमने इसको सारे को क्या किया, प्रेस कर दिया इसके साथ नीचे। मैं थोड़ा सा वाटर टच लूंगी और इसको स्मूथ करूंगी हाथ के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा यूं ही दे देती हूँ मैं, क्योंकि ये तो कर्टन के नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि बाई चांस कहीं से कोई थोड़ा बहुत आपका नजर आता है तो वो बुरा ना लगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जो विंडो है ये रेडी है। ठीक, अच्छा ये मैं शायद आपको नहीं बताया था, ये जो है ना, ये पिक्चर के अंदर यहाँ पर है ना हमारे ये मकड़ी के जाले बने हुए हैं। मैंने वैसे इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया था, बट आई थिंक ये ऊपर से बनाए हुए ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरह इसी तरह से लकड़ी को लगा करके एक हम राउंड पीस इसके ऊपर दोबारा कर देंगे। ठीक है, वो बाद में कर दूंगी मैं, या बाद में बता दूंगी आपको। एक राउंड पीस लेके ऐसे हाफ सेमी सर्कल और एक हाफ सेमी सर्कल ऐसे लेके दोबारा से हम करेंगे। उसके साथ क्या होगा कि ये थोड़ा उभरी हुई जो लुक है ना वो हमारी आ जाएगी, उभरी हुई लुक इसकी, है ना। ठीक है, तो ये हम करेंगे और इस ये हम बाद में करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और चलिए बस ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम ये ड्राई होगा, तो फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन ओके, बाय एवरीवन, बाय।